अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज आ रही हैं दो यम्मी यम्मी कुकिंग रेसिपीज़, तो रेडी शेडी हो जाओ। सबसे पहले हम तैयार करते हैं चाइनीज़ राइस। तो इसके लिए हमें चाहिए दो शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, इसको मैं कट कर लूँगी, जूलियन कट करना है, चुटकियाँ मार मार के कट कर देना है, और दो ली हैं कैरेट्स मीन गाजरें, इनको भी जूलियन कट लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, और बंद गोभी यानी कैबेज इसको भी कट कर लेंगे। अब मैंने ले ली हैं थोड़ा सा लहसुन, 4-5-6 जवे हैं, और इसको बारीक चॉप कर लेंगे, चुटकी हमारी जाओ तो कट करी जाओ। अदरक ले लिया है मैंने, छोटा सा टुकड़ा लिया है इसका, इसको भी मैं चॉप चॉप कर लूँगी। लें जी, हमारी वेजिटेबल्स कट और चॉप चॉप हो चुकी हैं, और इधर मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें मैं डालूँगी नमक 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून भर के, और अब पानी को बॉयल होने देंगे टक के। लें जी, पानी होने शुरू हो गया बॉयल। अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी। राइस मैंने ले लिए थे 1 kg, और उनको मैंने 10 मिनट्स पहले ना भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ राइस। लें जी, हमारे राइस ऐड हो गया। अब बस इसको जैसे हम नॉर्मल बॉयल करते हैं ना, थोड़ा सा बस छोड़ के कि जितने में लास्ट में दम आ जाए, तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे बॉयल। चलो जी, बॉयल करो तो मैं थोड़ी जी हवा ले आवां, बहुत गर्मी है। लें जी, जल्दी से हमारे चावल भी हो गए हैं बॉयल। अब मैं इसको चेक करती हूँ स्पून के साथ। ये देखें जी, हमारे बस दम आएंगे तो अब ये डन डना डन डन हो जाने हैं। लो जी, चुटकी बजाती है तो पता नहीं क्यों बजाई है, खैर चुटकियों में तो नहीं हुआ ये। अब मैं अपने इसको स्टेन कर लूँगी, अपने क्या पराए क्या, कुछ भी नहीं, बस इसको ना अब पानी निकालें और भाप पे चेक करें तो पसीने देख लो। मेरे ख्याल में गर्मियों में ना स्टीम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किचन में खुद ही सारा दिन स्टीम 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 आती रहती है। अब आ जाते हैं जी अपने राइस की जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन, ये तकरीबन ये 300 ग्राम्स मैंने चिकन ले लिया था, जो कैबेज हमने कट की थी 1/2 कैबेज, 2 कैरेट्स और 2 कैप्सिकम, और हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये अदरक लहसुन जो चॉप किया था, 1 एग फेटा हुआ, नमक, सोया सॉस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सिरका। लो जी, इंग्रेडिएंट्स कर लो छेती नाल नोट। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अब हम बनाने लगे हैं चावल। ओके जी, कढ़ाई को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैंने 3-4 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें अदरक लहसुन जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। 1/2 अदरक लहसुन जो चॉप किया हुआ इसमें जाएगा, 1/2 जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है उसमें यूज़ करेंगे। तो मैंने दोनों थोड़ा थोड़े ले लिए थे। अब मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी, मतलब हल्का सा स्टर फ्राई करना है, लाइट ब्राउन सा जैसे ही कलर होगा फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अगर चम्मच कम भी चलाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। खैर, वीडियो बनाते हुए आपको पता है बंदा बहुत कॉन्शियस होता है, इसलिए ना पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, तो इग्नोर करें इतना चम्मच को मूव करना। ओके जी, हमारा अदरक लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं स्टेज पे इसमें कर दूंगी चिकन ऐड। करने लगी सी पर गया नहीं, इसलिए पहले मैंने इसको प्लेट में निकाला है, फिर मैं इनू पाऊंगी। स्टाइल भी तो शो करना होता है ना, पता चले चंगा बने ना बने, बट स्टाइल होना चाहिए था। लेकिन खैर अच्छे बने थे, और जल्दी जल्दी इसको हिला लेंगे हम, क्योंकि ये फिर नीचे ना लग जाए चिकन जो है वो सारे कढ़ाई के साथ ना चिपकना शुरू हो जाए। एक्चुअली ना मैं दूसरा स्पून लेने चली गई थी तो इसलिए हो गई है लेट, इसलिए अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। चिकन को अच्छी तरह भून लेना है ताकि ना इसका जो वो फिर इसकी स्मेल सी ना वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो अदरक लहसुन जब डालते हैं तो उसके साथ चिकन को करते हैं, और बोनलेस चिकन है वैसे भी, तो जल्दी से हो जाना ये। ओके जी, हमारा चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको फिर मैं अच्छे से करूँगी एक दफ़ा मिक्स। हिला दूंगी ना अच्छे से, देखें इसने कलर चेंज कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, सबसे पहले मैं इसमें कैरेट्स ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करते हैं कैरेट्स ऐड। वो एक दो ना शिमला मिर्च भी चली गई हैं, कोई गल नहीं, खैर है।
अब इसको हम करेंगे मिक्स अपनी वेजिटेबल्स को। तो सबसे पहले कैरेट सिस्टे डालिए कि थोड़ी सी ना ये सख्त होती हैं, तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ दे। फिर हम इसमें कैप्सिकम और लास्ट पे फिर इसमें कैबेज ऐड करेंगे, क्योंकि कैबेज ना बहुत जल्दी पक जाती है और वो घुली मिली ना चावलों में अच्छी भी नहीं लगती। थोड़ा सा उसका जो क्रंची और क्रिस्पी सा टेस्ट होता है ना, मुझे तो वही अच्छा लगता है, हर वेजिटेबल का अलग अलग सा। तो इसलिए मैं वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। ओके जी, कैबेज हो गई हैं। अब इसमें डालते हैं कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, जो मैंने कट करके रख ली थी स्टार्ट में ही। आप लोगों को पता ही है चुटकियाँ मार मार के जैसी कटिंग की थी इसी, मैं क्या थोड़ा सी भी स्टाइल मार लिए। खैर अच्छा जी, कैप्सिकम हो गई है कट शट, कट शट क्या ऐड शेड हो गई है। और इसके साथ इसका थोड़ा सा करके फिर इसमें हम डाल देंगे लास्ट में, मैं जैसे मैंने बताया था कैबेज। बस थोड़ा सा ही इसको मिक्स शिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी कैबेज। ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे मैंने बोला था इसका ना सारा फिर वेजिटेबल्स का जो टेस्ट होता है ना वो खाई भी हो जाता है सबका। तो लास्ट पे हमने इसमें डाल दी है कैबेज यानी कि बंद गोभी। अब इसको हम सबको कर लेंगे अच्छी से मिक्स मिक्स। आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा, बहुत यम्मी यम्मी हैं दोनों डिशेस। तो हमारी कैबेज हो रही है मिक्स इसमें। लें जी, कैबेज भी हो गया डन। अब सारी वेजिटेबल्स को ना मैं थोड़ा साइड पे लगा के ये देखें ऐसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। और किस लिए प्रेस कर रहे हैं ये आपको अभी पता लग जाना है, क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है एग जो हमने बीट करके रखा हुआ था। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने एक एग को बीट करके तो इसको डाल दिया है। झटपट राइस बनाने हैं इसलिए अंडे को साथ साथ ही मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ ही तोड़ते जाएंगे, ताकि ना वो अच्छे से फिर जो राइस में आ रहे होते हैं ना चाइनीज़ राइस में अंडे टूटे टूटे से, तो वैसे ही आ जाएगा। साथ साथ इसमें ना इसको तोड़ते जाएं ताकि वो एक ही जगह ना इकट्ठा सा हो जाए। तो हम कर देंगे मैश और अब सारी वेजिटेबल्स में अच्छे से कर देंगे मिक्स, ताकि ये इक्वली ना एक कहीं इकट्ठा ही ना एक जगह पे रह जाए। सारे ही डिवाइड कर देंगे अंडे को सारी वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर। तोड़ दो अच्छे से, पीस दो। ओके जी, मैं दोनों स्पून्स के साथ ना अब अच्छे से कर दूंगी मिक्स। कोई कसर नहीं छोड़नी मिक्सिंग कर दी है। ओके जी, अभी हम इसमें डाल देंगे अपने स्पाइसेस और सॉसेस जो मैंने आपको स्टार्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद चिली फ्लेक। एक चम्मच भर के इसमें डाला था चिली फ्लेक का यानी कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच ही भर के काली मिर्च का। आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। नमक, क्योंकि ऑलरेडी राइस में भी है तो हम इसमें कम डालेंगे, वैसे भी सोया सॉस भी थोड़ा सॉल्टी होता है तो हम इसमें नमक थोड़ा कम ही रखेंगे, एक चम्मच ही भर के नमक का, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना जो लोग कम खाते हैं वो कम, जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा। स्पाइसेस भी कर दिए मिक्स। अब लास्ट पे जाएंगे इसमें सोया सॉस और सिरका जो हमारे पड़े हुए थे वो ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जा रहा है, ये देखें ये मैं ऐड करूँगी, और 2 टेबल स्पून भर के जो है वो विनेगर के। तो नहीं की सोचने लगी सी
विनीगर डाल दो बहन। ले जी, अब इसमें विनीगर डाल दिया है, यानी सिरका, वाइट स्फेद सिरका डाल दिया हमने। चलो जी, आखिरी कतरा तक हमने डाल देना है, ज़ाया नहीं करना है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। और जी, ऑलमोस्ट हमारे राइस हो गए हैं रेडी। बस अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, राइस। राइस ऐड करेंगे और हमारे राइस हो जाएंगे डन डना डन डन। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ राइस, और राइस का पानी जितनी अच्छे से निकला हुआ होगा ना, उतने ही आप लोगों के खिले खिले से राइस बनेंगे। तो इसलिए इनको पहले ही बॉईल करके ना, तो अगर आप किसी अखबार वगैरह पे फैला सकते हैं फैला दें, नहीं तो किसी ये टोकरी में रख के तो पंखा चला दें, ताकि ना राइस हो जाए अच्छे से ड्राई। तो ये केले केले जुड़े जुड़े नहीं बनते हैं फिर उससे। ये भी एक ट्रिक है, याद रखिएगा। मैं सारे राइस एकदम से नहीं डालूंगी, थोड़े थोड़े डाल के फिर इनको मिक्स करती जाऊंगी और फिर और ऐड करती जाऊंगी। पाओ जी पाओ। तो जी पहले हम इनको मिक्स कर लेंगे 2 स्पून के साथ। ओके, अब जो बाकी राइस बचे हुए हैं वो भी ऐड कर देंगे। बाकी के भी राइस ऐड करके तो अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। ओके जी, हमारे चाइनीज़ राइस हो गए हैं रेडी। होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। सिंपल, इजी और यम्मी सी रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा, फटाफट से बन जाने हैं, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और बहुत ही यम्मी बनने हैं। मैं क्या, मैं भी थोड़े जे चख लाना कैसे बने हैं। तो बस इसको थोड़ा सा हम दम देंगे 4 to 5 minutes का, और हमारे राइस हो गए हैं डन डना डन डन। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। साइड वाले खिलाड़े को करें इग्नोर, क्योंकि ऐसे ही होता है इस तरह के कामों में। राइस हमारे हो गए हैं रेडी, और गर्मी से हो गया है बुरा हाल। बट नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि चाइनीज़ राइस के साथ मस्त होती है। या तो लोग मंचूरियन खाते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं चाइनीज़ चिकन जड़े भी होते हैं। तो लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं उनका नेम है चिकन चिली। बहुत ही यम्मी है ये भी रेसिपी, और इसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन। उसमें सॉल्ट 1 tablespoon, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सोया सॉस 1 चम्मच डाल रही हूँ, चिली सॉस डाल रही हूँ, क्वांटिटी मैंने लिख दी है एग अकॉर्डिंग टू, मतलब जितनी ज़रूरत है, अगर आप लोगों को ज़्यादा रिक्वायर है तो ज़्यादा डाल दें, सिरका, मैदा और कॉर्नफ्लोर। क्वांटिटी सारी मेंशन है, नोट कर लीजिएगा। ये हमने चिकन की मैरिनेशन बनाई है। नेक्स्ट हमें जो वेजिटेबल चाहिए वो हैं 4 मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, 2 शिमला मिर्च और प्याज़, और इनको भी कट कर लिया है चुटकियों में। ओके जी, जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था मैं उसको यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही, जैसे ही लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तो मैं इनको निकालूँ। ये देखें, जो सारा चिकन पड़ा हुआ है मैं इसको करती हूँ फ्राई। तो मिलते हैं फ्राई करने के बाद। चिकन सारा हो गया फ्राई, अब इसमें को मैं निकाल लूँगी प्लेट या ट्रे, जिसमें भी आप निकालना चाहें उसमें निकाल लें। ओके जी, चिकन हमारा हो गया है डन डना डन डन। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो उसी कढ़ाई में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था उसमें मैंने निकाल दिया एक्सेसिव ऑयल, निकाल दिया था पैन में से, और मैं इसमें ना 3 to 4 tablespoon ऑयल के डाल रही हूँ, वही वाले जो चिकन हमने फ्राई किया हुआ था। तो इसमें से चिकन का टेस्ट भी आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जो हमने स्टार्ट में अदरक लहसुन जो हाफ डाल दिया था राइस में,
तो हाफ हम इसमें ऐड करेंगे जी, डाल दिया है हमने। इसको अभी पकाना नहीं है, बस हल्का सा मैं इसको सौते करूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्ची, जो मैंने 4 सब्ज़ मिर्ची कट करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी ग्रीन चिलीज यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें। टंटना, इतनी गर्मी है तो सोचो आजकल तो मेरा दिल करता ना वीडियोस ना होना किचन में जाऊँ, पर किचन का काम है कि ख़त्म होने में ही नहीं आता, एक तो बर्तन ही नहीं मुकता मेरा, तो यही रोना है। ओके जी, अब हमने इसमें डाल दी हैं जो ग्रीन चिलीज कट की हुई थी वो। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च जो कट की हुई है वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा क्यूब शेप में मैंने प्याज को कट किया था और उसी शेप में मैंने शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, दोनों अनियन और कैप्सिकम जो है मैंने थोड़ा क्यूब शेप में कट किया है। इनको भी करेंगे स्टर फ्राई। बाहर आ गया पापड़ों वाला, किसी ने पापड़ घर वाले खाने हैं तो खा लो, अंकल ने अपना ही रोला पाया हुआ है कसम नाल। बट वो बेचारे भी क्या करें, उन्होंने भी कमाना होता है, कमाएंगे नहीं तो मेहनत कर रहे हैं ना, मांग तो नहीं रहे ना, तो ये भी अच्छी बात है, हम उनको रोक भी नहीं सकते, तो इसलिए आओ तो खाओ करारे पापड़ साथ में चाइनीज़ राइस और चिकन चिली। ओके जब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, पहले मैं क्या थोड़ा सा और इसको भून लूँ फिर डालती हूँ। ओके, 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है चिली सॉस, वो ऐड करूँगी। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की और जल्दी आसानी से बनने वाली, बस चाइनीज़ राइस की और जो भी चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा तो कटिंग ही होती है वेजिटेबल्स की, बाकी रेसिपी तो झटपट बन जाती है। और आपको पता है ये चाइनीज़ कुकिंग जो होती है इनको हाई फ्लेम पे ही कुक करना चाहिए, मतलब मिनटों में झटपट। ओके, 1 टेबलस्पून अब चला गया इसमें विनेगर यानी सिरका, ये थोड़ा कम लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा और डाल दूँ, तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें टोटल डाला है वाइट विनेगर का यानी सफ़ेद सिरके का। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला मैंने इसमें, चीज़ें ढूंढने में भी टाइम लगता है ना इसलिए थोड़ा सा वेट करना तो बनता है, इसलिए कुछ पकाना है तो वेट करो। ओके, अब इसमें रेड चिलीज जा रही हैं यानी लाल मिर्च में पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और केचप जा रहा है इसमें 4 बड़े चम्मच भर के, 4 चम्मच बड़े वाले भर के वो इसमें केचप के ऐड किए हैं। उन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स। और अब थोड़ा सा पकाएंगे सबको। ये अच्छे से पक गया, अब मैंने एक प्याली में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था, तो मुझे जितना थिक ग्रेवी चाहिए होगी मैं उतनी बना लूँगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और अच्छी तरह से स्टेयर करती जाऊँगी, मतलब हिलाती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा ऐड करके। आप लोगों को जितना थिक चाहिए होगा उतना उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कर लेंगे, ज़्यादा भी मत डालिएगा और कम भी नहीं। तो मैंने आपको बताया मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के 1 ग्लास पानी में डाल दिए, और अब मैं इसको भी अच्छे से पका लूँगी ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चा सा और टेस्ट आ रहा होता ना वो नहीं आए। तो इसको पकाने के बाद
अब लास्ट पे जो हमने इसमें चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे सारा। और अच्छे से इसको फिर मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैं फिर बता रही हूँ, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ना वो बहुत ही ड्राई हो जाएगा, इसलिए हल्का सा फ्राई करना है और फिर निकाल लीजिएगा, तो उससे वो बहुत जूसी जूसी और टेंडर वाला बनेगा, मतलब टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इससे। ये भी एक और टिप है। मैं कल टेस्ट कर लूँ कैसा बना है, तो मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। आप लोग भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसा आपको चाहिए। ओके जी, लास्ट पे एक चीज़ जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो है जी बारबेक्यू सॉस। तो क्योंकि हमें बारबेक्यू का टेस्ट अच्छा लगता है सॉस का, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के बारबेक्यू सॉस का भी ऐड कर दिया था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मस्ट ही डालना है आपने, बस इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट आ जाता है। है तो ऐड कर ले, नहीं है तो ना, सही वैसे भी अच्छा बन जाएगा आप लोगों का चिकन छिलवई। ब्लैक पेपर एंड पे थोड़ी सी और, लास्ट पे मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी और अगर मुझे कम या कुछ चीज़ ज़्यादा लग रही हो तो मैं देख लूँगी उसको। तो मुझे इसमें केचप थोड़ा कम लगा था, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें केचप के और ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा तीखा ही पसंद है तो आप मत ऐड करें, अगर थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर सा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मुझे क्योंकि थोड़ा सा मीठा मीठा ही पसंद है, इसलिए ना मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के प्लेन जो केचप था टमाटो केचप उसके ऐड कर दिए हैं, और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और हमारी आज की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं दोनों रेडी। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा। ओके जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ डन हो गई हैं, इनको डिश आउट करते हैं और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं चेक ही करी जाना है, बहुत गर्म है इसलिए टेस्ट नहीं हो रहा था। खैर, ट्राई करो, लाइक करो और शेयर करो। अल्लाह हाफिज़। वेट, अभी ना और भी बहुत सी रेसिपी इंशाल्लाह आ रही हैं, बस मैं खुद ही सुस्त पड़ी हुई हूँ, रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा है, बस गर्मी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन ट्राई करूँगी कि बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँ। अब पक्का वाला अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।